हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज बना रही हूँ मैं वेज पनीर रोल। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वेज पनीर रोल। सब्जी लिए मैंने प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। ये पनीर है और ये है चटनी। मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है, 2-3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी इनको थोड़े से। तो ऑयल में प्याज, गाजर, यहाँ पर ऑरेंज गाजर ही मिलती है। अब डाल दूंगी शिमला मिर्च। अब इसको भी 1-2 मिनट के लिए पका लूंगी। कच्चा कच्चा रहने देना है, उसका अच्छा टेस्ट आता है, हल्का कच्चापन। अब इसी में मैं पनीर भी डालूंगी। ये टॉप्स की सोया सॉस डालूंगी थोड़ी सी, थोड़ा सा विनीगर डालूंगी। अब इन सबको मिक्स कर देंगे। इसमें मैं नमक ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा इसमें टमाटो सॉस डालेंगे, थोड़ी सी इसमें शेजवान डालूँगी थोड़ी सी टेस्ट के लिए, थोड़ा हल्का सा स्पाइसी बन, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब सबको मिक्स कर लूँगी। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है बनाने का। मेयोनीज डाल दूंगी इसमें, मेयोनीज कर देंगे, मेयोनीज को मिक्स कर देंगे, सबको मिक्स कर लेंगे। तो सब मिक्स हो गया, फटाफट से पतली पतली सी रोटियां बेल लेते हैं, तब उसमें स्टफ कर डाल देंगे बस। तो ये रेडी हो गया, उसको ठंडा होने देंगे। आटे में हल्का सा नमक डाल के उसकी रोटी बनाऊंगी, फिर उसमें सब भर लूंगी। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े साइज की रोटियां बेल के हल्का हल्का नमक ही लगाया है ताकि वो सॉफ्ट रहे। ये हो गया, अब फटाफट से रोल को फोल्ड करेंगे। तो इसमें मैं फोल्ड करूंगी, अब इसको फोल्ड करूंगी वेज डाल के। इसमें ऐसे वेज भर दूंगी, इसमें पनीर और सब मिक्स सब चीज़ आ गई है अच्छे से। थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगा ऐसे डाल देंगे ऊपर से। अब इसको फोल्ड कर देंगे। देखो सॉस की ज़रूरत नहीं है, बाकी देखेंगे अगर किसी को सॉस चाहिए होगा। इसको ऐसे फोल्ड करके अभी दिखाती हूँ मैं फोल्ड करके। रोल है मेरा रेडी, देखो गाइस काफ़ी अच्छे से भरा है इसमें मैंने। तो अब चलते हैं बच्चों को देने। वैसे सॉस की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मिर्ची की इसमें डाल दूंगी, मुझे पता मिर्ची ने ये भी नहीं खाना। जल्दी खाओ और खा के बताओ। खा के जल्दी से बताओ कैसा बना है। अच्छा होगा शायद, अच्छा रहा टेस्ट। सॉस डालनी है, जरूरत तो नहीं है ना। सीधा पकड़ो मिष्टू, जैसे भैया ने पकड़ा। चलो खाओ खाओ, आराम से गिराना मत बस। अब मिष्टू बताएगी टेस्ट करके कि कैसा बना है। रोनी ने तो बोला अच्छा बना है। अच्छा है, झूठ बोल रही है सच में। मिष्टू छोड़ना नहीं, फिनिश करना है, ठीक है? ठीक है, फिनिश होना चाहिए पूरा। अब मैं पापा का भी लेके आती हूँ, पापा भी वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हो आप? पापा को शायद सुनाई दे रहा, पापा शायद कुछ फोन में मूवी वूवी चल रही है पापा की। नहीं, नहीं चल रही। तब भी देखो पापा को सुनाई दे रहा, शायद पापा को भूख नहीं है। चलो बैठो। तो पास कर दिया है, बच्चों को अच्छा लगा है, अब इनको देती हूँ फटाफट से। इसमें थोड़ा सा मैं वो भी और ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा प्याज, कच्चा प्याज ऊपर से थोड़ा सा। ये उनका रोल बन रहा है, बच्चों को तो दे दिया। इसमें थोड़ा सा मैं कच्चा प्याज भी ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलते हैं देने। अभी रोल रेडी हो गया है। लो भाई देखो, चाय नहीं है इसका मैं बोलना, चाय थोड़ी देर रुकी मिलेगी, चाय थोड़ी देर रुकी मिलेगी। यार मैं पसीना पसीना हो गया मेरा, रुक के बनाऊंगी चाय अभी, 5 मिनट रुक के पहले खा लो। सच बताओ मिट्टी एक और खाएगी? नहीं खा पाएगी वो अभी। रोनी भैया को दूंगी मैं एक और, उसको पसंद आया।
कसम से बताओ मैं बाहर से नहीं लाऊंगा। ठीक है सुनो, एक में मैंने थोड़ा सा सॉस डाली है हल्की सी चटनी सॉस, एक में सिर्फ चटनी चटनी, तो एक में हल्का सा मीठापन भी आएगा। मिष्टू उसको हटाओ पेपर को, सच बताओ अच्छा है, मस्त है ना। सुनो मैंने आपको आज पहली बार खिलाया, मुझे लग रहा है रोनी मिस्टी के लिए तो बनाती रहती थी मैं स्कूल के लिए दिन में कई बार, मस्त है पनीर वाला। सुनो पेट भी हैवी जाता है इससे, और रोटी ऐसे में हाँ देखो मैदा भी नहीं है उस भारत में, रोटी मैदा होता है रोटी है, टिफिन में देती हूँ रोनी को कई बार, सही रहता है नहीं पैक करके रखेंगे तो सॉफ्ट रहेगी, घी में हल्का हल्का घी में सेक किया मैंने, तो अब फटाफट से एक रोनी को भी देती हूँ रोल फिर मैं भी खाती हूँ। अच्छा है मिष्टू, चलो मम्मा एक ही बनाएगी अपने लिए, खा लिया मैं भी खाती हूँ फटाफट से। सबसे इजी तरीका है रोल बनाने का, बस सब्जियाँ काटो जो जो आपके पास सब्जियाँ हैं, उनको दो चम्मच डालो ऑयल, पैन में डालो दो चम्मच ऑयल, उसको हल्का सा फ्राई कर लो बस, जो जो सॉस वगैरह आपके पास हैं शेजवान है चिली फ्लेक्स है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, जो मैंने थोड़ा कम ही डाला शेजवान क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा खाते नहीं है ये चक्कर में, तो बस डाल के रोल बना लिया। चटनी बनी होनी चाहिए बस, इसमें यह है ग्रीन चटनी पहले से बना के रख लो, बस फटाफट बनता है रोल, टाइम वेस्ट भी नहीं होता, जल्दी जल्दी बनता है और मज़ा भी आया था सबको, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बन गया, अब मैं भी चलती हूँ फटाफट से खाने, सबको दे दिया है मैंने रेडी कर रही, बट मैं पेपर नहीं लगा रही, मैं ऐसे ही खाऊंगी इसको ऐसे ही फोल्ड करके, तो चलती हूँ मैं भी खाती हूँ, मेरा भी रोल रेडी है गाइस। देखो गाइस रोल तो नहीं लग रहा ये, अब मैंने इसमें पेपर फोल्ड नहीं करना अपने, इसमें जल्दी होगी। कैसा बना है? अच्छा बना है। अब तो नहीं बोलोगी ना मुझे बाहर से मंगाओ? हाँ, यहाँ मिलता भी मैं वो। क्यों नहीं मिलता? वेज रोल मिलता है, ठीक है। तो अब मेरे कितने आज मेरे कितने बजे? दो रोल रोनी ने खाए, दो रोनी ने, एक मिस्टी ने, दो मैंने, एक रितु ने, दो चार पांच छह, 600 रुपए बच गए। जरूरी है पनीर डालो, नहीं पनीर तो सब्जियां डाल दो, सब्जी अच्छा बनता है। वो तो मैंने लास्ट टाइम लोगों के लिए बनाया था, तो वेज वाला बनाता हूँ, तो एक बार पनीर वाला बनाती हूँ। कर लिया है ब्रेकफास्ट और सबको पसंद आ गया है, यही अच्छा लगता है जब सबको खा लेते हैं। सिंपल सा बना लो तो कुछ खाते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखो ऐसा कुछ नहीं था, सारा हेल्दी चीज़ थी इसमें, सारी वेजिटेबल्स थी, सबको अच्छा लगा, इन्हों को भी बहुत अच्छा लगा, तो बस फटाफट से बनाया और खिला दिया। क्योंकि और दिन से पराठे बना दो रोटी सब्जी बना दो तो हैवी भी हो जाता है, और थोड़ा सा मतलब उसे खा के अजीब सा होता है मन, मतलब ऐसे बहुत भारी सा फील होता है, तो इसको खा के लगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो बस वही है थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है आज के हिसाब से भैया, बनाना पड़ता है, नहीं बनाएंगे तो सबका मूड खराब हो जाता है कि रोज रोज क्या बनाएं क्या बनाएं, तो वही है। बहुत गर्मी है, धूप है आज, हवा भी कम चल रही है, बस बस आज बनाया है। अब दिन में कुछ सिंपल सा बनाऊंगी, जैसे सुबह से कुछ बना लिया ना, दिन में सिंपल सा बना लो, इसे थोड़ा थोड़ा पुलाव बना लो, खिचड़ी तो हम लोग खाना पसंद नहीं करते, मैं अभी नहीं पसंद करती, पता नहीं क्यों मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है। सिंपल चाहे मैं दाल बना लूँगी प्लेन वाली, जैसे मिक्स पतली दाल होती है वो बना लूँगी, या पुलाव बना लूँगी दही के साथ में, लेकिन पता नहीं खिचड़ी नहीं खाई जाती मुझसे, तो सब दिन में देखेंगे थोड़ा हल्का फुल्का बना के खाएंगे। इसको कई लोग फ्रेंकी रोल भी बोलते हैं, मैंने एक बार पहले रोनी को बना के मतलब बच्चों को बनाया था खिलाया था, उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स थी, उसे फ्रेंकी रोल जिसे बोलते हैं, उसी टाइप का हो गया, अपने हिसाब से डालो आपके पास जो जो चीज़ें हैं, और सिंपल है कुछ भी नहीं करना, इतना दाम यहाँ बहुत जल्दी बन जाता है, तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए टिफिन में देने के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगे, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।